नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज कुछ जबरदस्त कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा, तो लक्ष्य पढ़ने वाली है, तो लक्ष्य शुरू हो जा भाई। तो पहला कमेंट है सना खान DM6WM, कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में भी आपका हेयर ऑयल मिल सकता है, प्लीज रिप्लाई। तो मैं बता देता हूँ बहन कि हर जगह, मतलब ऑल इंडिया, इंडिया से बाहर कहीं भी आप अगर ऑर्डर करोगे तो तेल आपके वहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि हम जो वेबसाइट के साथ जो कुरियर है वो इंटरनेशनल रखने वाले हैं। सेकेंड कमेंट है पवन पटेल 2006, कृतिका गोलू इज अ चीटर करेक्टर, शी वॉज डूइंग पॉलिटिक्स इन फैमिली। तो भाई ऐसा है, देखो क्या है ना कि हम अपनी जगह पे सक्षम हैं, तो आज के दिन ना कोई भी किसी का उड़ता हुआ तीर नहीं लेता, फिर भी हम अपनी फैमिली का जितना ध्यान है वो रखते हैं। और दूसरी बात, अगर आज के दिन दीरानी जेठानी अगर बीच में आती है ना, तो कोई किसी का 1 रुपये का काम भी नहीं करता। तो ये आपकी सोच है, चीटर या ना चीटर, तो भाई हमारे लिए तो भाई आज के दिन कुछ भी लगा लो, मेरी फैमिली सब कुछ है, वो गोलू और पायलो मेरे चारों बच्चे। थर्ड कमेंट है हीना गातिम गामित 3608, गोलू पायल को साथ में देखना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत प्यार, क्योंकि देखो हमेशा से जब से मैंने अभी ये व्लॉगिंग शुरू की है, सोशल मीडिया शुरू किया है, तो पहले क्या होता था ना, पहले बहुत गंदे गंदे कमेंट आते थे, पर आज के दिन गोलू पायलो एक साथ देखे बिना उनका दिन और व्लॉग पूरा नहीं होता। नेक्स्ट कमेंट है किड्स कियारा अनमान मलिक जी, नमस्कार, आपका मैं व्लॉग रोज़ देखती हूँ, बट अच्छा लगता है आपकी बॉन्डिंग वाइफ्स के साथ। आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या किसी को छोटा मोटा जॉब मिल सकता है? आपका यहाँ ऐसा कुछ है तो प्लीज़ बताइएगा, हमें भी कोई बिजनेस से रिलेटेड जॉब है। थैंक यू सो मच। तो भाई मैं बता देता हूँ बहन, आपका नाम है किड्स क्यारा, तो सबको, जितने लोगों को देखो, हमारे को अभी अगर वर्कर की ज़रूरत है तो वो हमें चाहिए 25 वर्कर, जिसमें तकरीबन गर्ल्स होंगी, क्योंकि जो गोलू और पायल अभी जो करना चाहती हैं वो एक ब्रांड लेके आ रहे हैं कपड़ों का, तो उसमें सारी लड़कियों के काम है, 2 से 4 लड़के होंगे जो सारा टेक्निकल या फिर वीडियो का शूट रखेंगे। तो जिस दिन भी इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे तो मैं बिल्कुल व्लॉग में बताऊँगा। और जो लोग पंजाब से हैं, जीरकपुर से हैं, अप डाउन करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, तो उनके लिए जॉब बिल्कुल आपके लिए तैयार है। नेक्स्ट कमेंट है कंचन मेहरा 3482, अरमान सर मैंने अभी आपका सबसे कड़क पॉडकास्ट देखा, बिलीव मी जितना रिस्पेक्ट मैं आपका भारती हर्ष के पॉडकास्ट में रिस्पेक्ट आई थी उससे ट्रिपल इस पॉडकास्ट में आई। आपका रिस्पेक्ट करती हूँ सर, आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर इतने अच्छे से दिया, आई सल्यूट यू। थैंक यू सो मच। और जिसने अब तक वो पॉडकास्ट नहीं देखा, आप जाके देख लो, न्यूज़18 पे वो पॉडकास्ट है, और उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मेरी कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए थे, बहुत सारे, मतलब कि सैलून में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, तो उनके सब सवालों के जवाब मैंने वहाँ दे रखे, तो आप देखना, सुनना और कमेंट करना मत भूलना। और बहुत सारे कमेंट उसमें वे भी थे फेक फेक फेक, तो मुझे क्या लगता है ना कि मतलब ऐसे लोग भी ज़रूरी है आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करता रहे। नेक्स्ट कमेंट है, इनका नाम बहुत बड़ा है, 26 अक्षर का नाम भाई। अरमान जी इनके साथ रहें या ना रहें, ये दोनों अपना मस्त रहती हैं, लगे रहते हैं, लव यू बोथ ऑफ यू। तो भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में दोनों साथ रहे, मैं ज़िंदगी में रहूँ या ना रहूँ, ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, पर ये पूरी ज़िंदगी ऐश करें और खुल के खेलें खाएं, और बस मैं चाहता हूँ आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। नेक्स्ट कमेंट है यूजर के नाम से है, गोलू पायल और अरमान को अकेले नहीं छोड़ती। तो भाई ये देखो तुम्हारी गलत फहमी है ना, मैं आपको ना आज एक ऐसी बात बता देता हूँ, शायद आपने बहुत बारी देखी होगी, बॉलीवुड के इतने स्टार हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लास्ट वाला जो ऋतिक रोशन का तलाक था, तो उसमें मतलब ये लगा लो करोड़ों में पैसे दिए गए थे। तो आदमी का पेट ना पैसों से नहीं भरता, या फिर गोलू और पायल का, वो भरता प्यार से। तो उन दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा है, वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। पर बहुत सारे लोगों ये कमेंट आते हैं कि आप पायल को टाइम दो, पायल को टाइम दो, तो भाई मैं दोनों को एक साथ टाइम देता हूँ। आप ब्लॉग में क्या देखते हो, 10 से 15 मिनट ही तो देखते हो ना पूरे दिन में ब्लॉग, 26 घंटे का ब्लॉग होता है, 24 घंटे का होता है, 24 घंटे 2 घंटे हमने एक्स्ट्रा दे दिए ना, दो ही दिए ना, इसलिए 1 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हमने। तो भाई ऐसा मत बोला करो, उन दोनों का प्यार है, उनके प्यार में देखो आप कितना कुछ भी बोल लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कमेंट है ज्योति कौर 6249, आई एम वेटिंग फॉर आदिवासी पिल एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू गाइस। तो भाई 1 महीने के अंदर अंदर देखो, आपने ना बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किए थे कि आप जो पूजा कर रहे हो ना, आपके सिर पे चुन्नी नहीं है, तो अगर आप वो ब्लॉग गौर से देखना, सबके सिर पे ना कलावा रखा हुआ है, और ये हमारे हिंदू धर्म में, आप कहीं भी पूजा पाठ हो ना, अगर कोई मतलब चुन्नी या फिर कुछ भी नहीं लेता, तो आप कलावा सिर पर रख सकते हो, ठीक है। और जब हमने देखने होते, पंडित जी आ गए थे, मैंने बोला चलो अभी शुरू कर देते हैं चीज़ें, और बहुत जल्दी वहाँ पर स्किन का आ रहा है,
स्किन का हम पूरा एक क्लिनिक खोल रहे हैं, और उसके साथ साथ कपड़ों का ब्रांड आ रहा है, स्लिमिंग ब्रांड आ रहा है, तेल का ब्रांड आ रहा है, तो सब चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, और इसके लिए आपको 1 महीना देना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट कमेंट है यूजर के नाम से, अरमान पायल के बच्चों को प्यार करो। भाई वो पायल के बच्चे नहीं हैं भाई, मेरे भी बच्चे हैं दोस्त, जो भी कमेंट कर रहा है तो सब सेम है मेरे लिए, जैसे माँ के लिए बच्चे तीनों सेम है, वो आपका नज़रिया गलत है, उसको थोड़ा सुधारो। नेक्स्ट कमेंट है यूजर के नाम से, गोलू बहुत चालाक है, लोगों की बातों के डर से आई है, नहीं तो जैद को 2 दिन पहले भेजने में मुंह बना रही थी, बताओ डर से आई है, लोग पायल को प्यार देते हैं, गोलू को नफरत। देखो मैं आज फिर एक बात बोलता हूँ, आप अपनी सोच को सुधार लो, डर किसी को नहीं होता। आप ये देख लो ना, जो मेरी फैमिली है वो बिना किसी धड़ल्ले के उल्टा सीधा बोल देती है, अपने घर चली जाती है, चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो कोई किसी के डर से रहता भी नहीं है और जाता भी नहीं है। ये हमारी एक बॉन्डिंग है, चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम से पहले करनी पड़ती है, ये आपका सोच है, उसको सोच को चेंज कर लोगे तो देखो मतलब आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो ये उल्टे सीधे कमेंट करने में, आपकी सोच है। आप बहुत सारे कमेंट ये लगा लो कि 20 से 25, 100 से 200 कमेंट होते हैं जो उल्टे सीधे होते हैं, नहीं तो 3-3, 4-4 हज़ार कमेंट होते हैं कि दोनों के बिना ब्लॉग देखना अच्छा नहीं लगता, और 1 लाख लाइक होते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा अपनी सोच चेंज करो। नेक्स्ट कमेंट है तना चौधरी 1686, बच्चों को फ्रूट्स एंड बॉयल्ड राइस विद मीट ब्लेंड करके दो, बहुत पतले हो गए, एग बॉयल डेली मॉर्निंग। तो अभी क्या था ना, अभी ना घर में नवरात्रे थे, तो 9 दिन से तो देखो हम उनको कुछ उल्टा सीधा दे ही नहीं पा रहे, उसके बाद क्या ना कि प्रॉपर डाइट शुरू करेंगे जैसे आपने बताया, तो थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही गाइड करते रहा करो, क्योंकि ना बच्चों को मुझे क्या लग रहा है ना, हाइट भी बढ़ रही है, दांत भी निकल रहे हैं। तो और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट थे कि आप तूबा को लेके गए या पानी में बच्चों को लेके नहीं जाते, तो देखो उनके फादर थे साथ में, यानी कि मैं था उसके साथ में, तो थोड़ा सा था ना कि मैं बच्चों को टाइम दे पाऊँ, मेरे साथ चीकू था, जैद घर पे था, आयान घर पे था, तो चारों एक साथ तो मैं नहीं लेके गया, पर अगली बार क्या ना दोनों को लेके जाऊंगा। नेक्स्ट कमेंट है @ स्वीटी कुमारी 691, भैया तेल एंड फेस के लिए जो यूज़ कर रहे हो प्लीज़ जल्दी रिव्यू करो प्लीज़। बस बहन 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने के बाद आप ऑर्डर करना और चीज़ें आपके घर, और रिजल्ट भी क्या आना, कि इन चीज़ों में इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि ना हम खुद चेक कर रहे थे, क्योंकि ना देखो हम कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि हमने एक ऐड किया और हमने साइड हो गए, हमें खुद करना था, कि क्योंकि आप फिर हमसे मिलने भी आओगे, चीज़ें भी हैं, तो मैं चाहता कोई भी चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि ना आजकल ना केमिकल को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग पैसा अर्न तो कर रहे हैं पर केमिकल से ना उनकी स्किन को आदत हो जाती है और बाद में स्किन ख़राब हो जाती है, तो आजकल जितने भी आपको कोरियन ट्रीटमेंट ये वो XYZ वो सब चीज़ें ख़राब हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहो। नेक्स्ट कमेंट है @ZFam123, अरमान बहुत मकार है, चापलूसी करता है। किसकी? तो भैया देखो, अगर मैं अपनी बीवियों की चापलूसी कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि सबको करनी चाहिए, उसके बाद मुझे तो नहीं लगता है मैं किसी की चापलूसी करता हूँ, क्योंकि कोई मुझे खाने को नहीं देता, मेरी बीवियाँ हैं मुझे खाने को देती है, सुबह उठते मेरा केयर करती है, मैं उनका ध्यान रखता हूँ, वो मेरा ध्यान रखती है, तो हाँ भाई मैं दोनों बीवियों की चापलूसी करता हूँ। नेक्स्ट कमेंट @शदाब खान, मुझे बहुत खुशी हुई गोलू आ गई वापस। गोलू कहीं गई नहीं थी भाई, कहीं नहीं गई थी, आप क्यों नहीं समझते, चीज़ें चीज़ें क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप हर चीज़ व्लॉग में नहीं बता सकते, समझ लो मेरी बातें। पासपोर्ट का काम था, 10 बारी बता दिया, क्योंकि वो वहीं की पैदाइश थी, अब तक डॉक्यूमेंट्स थे गोलू के जो पासपोर्ट में वो चेंज नहीं हुए थे, वो चेंज करवाने थे, जब आप 2 बारी पासपोर्ट में नाम चेंज करवा लेते हो तो वो चेंज नहीं होता, उसके लिए एक अलग से फॉर्म होता है, सरकारी काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा अपनी सोच को चेंज करो। नेक्स्ट कमेंट @तानी पहाड़न 7523, गोलू बहुत ही घटिया है, आगे कबाब में हड्डी मायके ही रहे हमेशा के लिए, पायल और अरमान के साथ मैं अच्छा लगता हूँ, तू चली ही जा। वेरी गुड, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरी बहन, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर में कलेश करे होते हैं, लोगों को ऐसी सलाह देते हैं जिनसे उनका घर खराब होता है, तो अपनी सोच को चेंज करो, अगर सोच चेंज है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो आप ऐसी सोच रखोगे तो कल को देखो आपका भी घर खराब होने में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट कमेंट है @कशिश8765, पायल दीदी आप वेट गेन करो, बहुत पतली हो गई हो, अच्छे नहीं दिखते, गोलू दी आप भी अब तक हो चुके हो, और वेट लूज मत करना, लव यू मलिका मैम। तो मैं बता देता हूँ, पायल का अभी वेट जो करंट चल रहा है 52 kg चल रहा है, तो मैं पायल को 57 पे ला कर रोक दूंगा, अभी हम 5 से 7 किलो और बढ़ाएंगे, ज़्यादा वेट करके करना क्या भाई, आपको फिट रहना है ना। गोलू ने भी अपना जितना, जब प्रेगनेंसी के टाइम था, जब शुरुआत हुई प्रेगनेंसी की, तो 1 किलो वजन ज़्यादा था,
तो वो वहाँ मेंटेन हो जाएगी और पायल काम कर देंगे 57 kg और उसके साथ मेंटेन देंगे। नेक्स्ट कमेंट है इब्राहिम खान 3716, हमें तो लगता है अरमान पायल से ज्यादा प्यार करता है गोलू से, बहुत गोलू बहुत मासूम है। देखा, अब कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया आगे कबाब में हड्डी बनने, अरमान गोलू से ज़्यादा प्यार करता है, बच्चे के साथ वहाँ चला गया। तो भाई दो बीवियाँ हैं इंसान, अगर वहाँ चला गया तो काम है वहाँ गया। अब मेरे घर में ये तो नहीं है ना 50 लोग और रहते हैं भाई मैं काम की जिम्मेवारी उनको दे दूंगा, आप समझ सकते हो ना। तो ये अलग अलग है, अगर आप कमेंट पढ़ोगे ना कभी भी जाके तो 10 लोग गोलू के बारे में अच्छा बोलेंगे, 20 लोग पायल के बारे में अच्छा बोलेंगे। तो ये लोगों की सोच है, और बस मैं कहूँगा कि आप व्लॉगिंग देखें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बुरे कमेंट मत किया करो, हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रिप्लाई उनको दे रहा हूँ जो रोज़ कर रहे हैं ऐसे उल्टे सीधे कमेंट। तो वैसे आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। और भाई जल्दी से कपड़ों का ब्रांड आ रहा है, स्किन का आ रहा है, फैट का आ रहा है, ऑयल का आ रहा है, सब चीज़ें इंक्लूड आ रही है। तो वेट एंड वॉच, और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई जो आप ये ब्रांड ब्रांड करते हो, आप ये व्लॉगिंग के लिए करते हो, तो व्लॉगिंग तो भाई मेरी वैसे भी चल रही है, ठीक है, तो मैं ब्रांड के लिए नहीं कर रहा, मैं अपना एक बिजनेस करना चाहता था, और वो जो मुझे एक सही रास्ता मिल गया है, समझ लो। देखो लोगों को स्किन की दिक्कत चल रही है तो मैंने स्किन का बना दिया, लोग फैशन की तरफ जा रहे थे तो मैं फैशन की तरफ आ गया, पायल ने अपना वेट रिड्यूस किया है जो खा के किया है, हम उन चीज़ों का ब्रांड निकाल दिया। हेयर ऑयल मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप तक भी पहुँचे, उस लिए कर रहा हूँ। तो ये ब्लॉगिंग के लिए नहीं है, ये बिज़नेस के लिए है, और बिज़नेस भी मैं अपने लोगों के साथ कर रहा हूँ कि कल को उनको कोई भी हार्म ना हो, नुकसान ना हो, जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ उसका गारंटी मैं खुद ले लूँगा, ठीक है। नमस्ते करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राम राम, और उल्टे कमेंट मत किया करो।